Assalamualaikum students, I'm your SST teacher Miss Afifa. Today we will learn lesson cleanliness. Cleanliness means safai. Introduction of the lesson. Point number 1. Cleanliness is a habit of keeping your body, home and surrounding neat and clean. सफाई एक ऐसी आदत है जिसमें अपनी बॉडी, अपना घर और अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखा जाता है. पॉइंट नंबर 2. क्लीननेस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग. सफाई सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अहम हिस्सा अदा करती है. पॉइंट नंबर 3. पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्री फ्रॉम डिजीज़ेस. ज़ाती सफाई, ज़ाती हिफ़ाज़त सेहत बहुत ज़रूरी है मुख्तलिफ़ बीमारियों से दूर रहने के लिए. पॉइंट नंबर 4. वी शुड ऑलवेज कीप अस एंड आर सराउंडिंग क्लीन. हमें ख़ुद को और अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. एज़ वी ऑल नो, क्लीननेस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ हेल्थ. जैसे कि हम जानते हैं कि सेहत का पहला कानून जो है वो सफाई है. अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको ख़ुद को और अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना होगा. If you want to be clean and hygienic, you should follow these rules. Number 1, brush your teeth. Point number 1, you should brush your teeth twice a day when you wake up and before you go to bed. हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, जब हम सुबह सो के उठें और जब रात में हम सोने जा रहे हों. Point number 2, germs bacteria in your mouth grow on your teeth and around the gums every day. रोज़ाना different bacteria और जर्म्स हमारे मुंह में और हमारे दांत के अराउंड जो हमारे रेड पार्ट होता है गम्स में ग्रो कर रहे होते हैं. पॉइंट नंबर 3, यूज़ टूथपेस्ट एंड अ टूथब्रश. एज यू सी इन पिक्चर, हमें टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए. पॉइंट नंबर 4, जेंटली एंड थॉरोली ब्रश ईच साइड ऑफ एवरी टूथ एंड द गम्स. बहुत ही आराम से और आहिस्ता हमें ब्रश करना चाहिए और अपने दांत के हर साइड को हमने ब्रश करना चाहिए. इट शुड टेक अबाउट 3 मिनट्स टू डू दैम ऑल. वी शुड हैव कंप्लीट दिस प्रोसेस विद इन 3 मिनट्स. नंबर 2, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील. When you eat without washing your hands, the bacteria and germs that are left on your fingers and palm can be transferred to the inside of mouth and cause diseases. जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स जो हमारी फिंगर में और हमारे नेल्स में और हमारे पाम में मौजूद होते हैं तो वो खाने के ज़रिए हमारे मुंह में चले जाते हैं और डिफरेंट तरह की बीमारियां कॉज करते हैं. इसीलिए हमें खाने से पहले हाथ लाजमी वॉश करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. नंबर 3, टेक अ शावर बाथ. पॉइंट नंबर 1, वॉश योर सेल्फ एवरी डे. दैट हेल्प्स टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स. हमें रोज़ाना अपने आप को वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए, जिससे हमें डिफरेंट जर्म्स को, डिफरेंट तरह की जो डर्ट हमारे बॉडी पे आ जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प मिलती है और हमारी बॉडी भी क्लीन हो जाती है. पॉइंट नंबर 2, शॉवर कीप्स योर बॉडी हेल्दी एंड क्लीन. रोज़ाना नहाने से हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है और क्लीन हो जाती है, इसीलिए हमें रोज़ाना शावर लेना चाहिए. Number 4, keep your feet clean. Point number 1, wash your feet every day because it collects sweat and dirt. हमें रोज़ाना अपने पाँवों को वॉश करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर्ट होती है और जो स्वेट होती है वो हमारे पाँवों में ही कलेक्ट हो रही होती है। पॉइंट नंबर 2, वॉश एंड ड्राई फीट केयरफुली स्पेशली बिटवीन द टोज एंड फिंगर्स। हमें बहुत ही अच्छी तरह अपने फीट को वॉश करना चाहिए और उसको ड्राई करना चाहिए स्पेशली बिटवीन द टोज़। हमें हमारे जो टोज़ हैं और हमारी जो फिंगर हैं इसके बिटवीन एरिया में डर्ट कलेक्ट हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छे से इस डर्ट को रिमूव करना चाहिए। नंबर 3, चेंज योर सॉक्स एवरी डे। हमें रोज़ाना अपने सॉक्स को चेंज करना चाहिए। नंबर 5, कॉम्ब योर हेयर कीप दैम क्लीन। हमें अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए और उसको क्लीन रखना चाहिए। नंबर 6, वेयर क्लीन क्लोथ्स स्पेशली चेंज योर क्लोथ्स एवरी डे। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए और रोज़ाना उनको चेंज करना चाहिए। आफ्टर पर्सनल हाइजीन वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। जब आप पर्सनल हाइजीन के रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, ख़ुद को क्लीन रखेंगे, तो उसके साथ साथ आप अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना शुरू कर देंगे। नंबर 1, कीप योर होम क्लीन। अपने घर को साफ रखना चाहिए। एज यू सी इन पिक्चर, यूज़ बिन टू थ्रो गार्बेज। आपको कोई भी गार्बेज थ्रो करना हो तो आप उसके लिए बिन का यूज़ करेंगे। कोई भी गार्बेज घर में आपको अगर थ्रो करना होगा तो वो आप अपने डस्टबिन में बिन में थ्रो करेंगे। यू शुड फॉलो क्लीननेस इन आवर सोसाइटी। द सोसाइटी शुड बी केप्ट ऑलवेज क्लीन एज इट गिव्स बैड इम्प्रेशन टू अदर पीपल। हमें अपनी सोसाइटी, वो एरिया जहां हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने एरिया, अपनी सोसाइटी को गंदा रखेंगे तो उस पर हमारा बहुत ही गंदा इम्प्रेशन, बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन हमारा दूसरे लोगों पर जाएगा कि हम अपने सोसाइटी को, अपने उस एरिया को बहुत गंदा रखते हैं जहां पर हम रह रहे होते हैं। तो हमें अपने सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। Many people get diseases due to garbage thrown by other people. बहुत से लोगों को बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं जब हम गार्बेज, जो भी कचरा होता है हमारा, उसको हम ऐसे ही थ्रो करना शुरू कर देते हैं, अपनी सोसाइटी को गंदा रखते हैं, तो इससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं बहुत ही गंदगी से। So we should keep our surrounding, our society neat and clean. As you see in picture, people are collecting garbage in our dustbin, so we should follow the cleanliness in our society. Most important place. Number 3, cleanliness at school. School is the place from where we learn new things. School एक ऐसी जगह है जहाँ हम रोज़ाना नई चीज़ें सीखते हैं. Don't throw paper, garbage or any other waste around. हमें पेपर, जो भी हमारा गार्बेज है और जो भी वेस्ट है, हमें इधर उधर नहीं थ्रो करना चाहिए। नंबर 3, ऑलवेज पुट दीज इन द डस्टबिन। हमें ये तमाम वेस्ट, तमाम गार्बेज डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। नंबर 4, टेक केयर ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी। हमें स्कूल की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चेयर्स, टेबल्स, डस्टर शुड बी एंड प्रॉपरली। हमें ये तमाम चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही इसका ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल। हमें स्कूल की वॉल्स पे राइट नहीं करना चाहिए। वी शुड राइट ऑन द कॉपी एंड द नोटबुक। हमें अपनी नोटबुक, हमें अपनी कॉपी पे राइट करना चाहिए, हमें स्कूल की वॉल्स पे राइट नहीं करना चाहिए। So after cleanliness, personal hygiene and surrounding cleanliness, we should learn this line: Allah loves those who care for cleanliness. अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है, उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं। Be clean, साफ़ रहिए। Think clean, साफ सोचिए, अच्छा सोचिए। Feel clean, अल्लाह ताला को हमेशा महसूस कीजिए, अल्लाह ताला को याद रखिए। कीप इट क्लीन, और अपने आप को, अपने इर्द गिर्द को साफ रखिए। So students, I hope you understand the concept of cleanliness. You should follow the rules of personal hygiene. You should clean your surrounding, your home and your school. So be clean, be safe and be healthy. Thank you.